फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। दोस्तों आजकल इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ डेटा है, हमारे चारों तरफ डेटा ही डेटा है। हर कंपनी छोटी बड़ी अगर कोई बिजनेस कर रही है तो ऑनलाइन कर रही है, यानी कि डेटा जनरेट कर रही है। और उस डेटा पर बिजनेस करने के लिए उस डेटा से लगातार हमको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लगातार निकालते रहना पड़ता है। तो उस डेटा से हम इन्फॉर्मेशन निकालते कैसे हैं, किसी भी डेटा बेस से हम बात कैसे करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, SQL की मदद से। तो आज की वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ SQL या SQL क्या होता है, ओवरऑल मोटा मोटा इसका क्या यूज है। बहुत सारी जानकारी बहुत कम वक्त में, एक दो मिनटों में मैं आपको पूरा मतलब समझा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों SQL को समझने से पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और अगर इसका मतलब समझना है तो जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, मतलब समझने के लिए सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म को हम डीकोड करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। किसी डेटाबेस से अगर हमको कुछ जानना है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि एक क्वेरी चाहिए, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यानी कि क्वेरी में कुछ ना कुछ रूल्स, कुछ कंडीशंस, कुछ स्पेसिफिक हमको अगर चाहिए तो वो मेंशन करना होगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी होनी चाहिए जो कि स्पेसिफिकली हमको क्या चाहिए वो क्लियरली मेंशन कर सके, क्लियरली मांग सके। लैंग्वेज, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जिससे कि डेटाबेस इसको समझ सके। तो इसीलिए ये फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कुल मिला के एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डेटाबेस में क्वेरी एंटर करना जिससे कि जो हमारी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमको मिल सके। दोस्तों SQL को SQL कहते हैं, SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसको जो आसान लगता है वो कह देता है। लेकिन कुल मिला के SQL का पर्पज़ है किसी भी डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्ट करना और उस डेटा के ऊपर फिर अपना बिजनेस करना या जो भी पर्पज़ के लिए आपको डेटा चाहिए वो करना। अब दोस्तों यहाँ पर एक सवाल निकल कर ये आता है कि किसी भी डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों एक लैंग्वेज की ज़रूरत सिंपल भाषा में इसलिए पड़ती है कि एक लैंग्वेज एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, एक पैटर्न होना चाहिए जिसको के वो डेटाबेस समझ सके और जो लोग डेटा को निकालना चाहते हैं वो लोग भी एक पर्टिकुलर कॉमन फॉर्मेट को समझ सकें। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, एक कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा, तभी एक यूज़र की और उस डेटाबेस की बात हो पाएगी। डेटाबेस जब हम बात करते हैं तो उसमें हजारों लाखों अरबों रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, बनते रहते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस कर रही है, एक मैं एयरलाइन को आपको एग्जांपल देता हूँ, स्पाइसजेट एयरलाइंस है, रोज फ्लाइट्स उड़ रही हैं, हजारों लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, कितने लोगों ने अब इन पिछले सालों में सफ़र किया होगा और आगे भी करते रहेंगे, वो जितने भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, कितने बजे वो बोर्डिंग करते हैं, एक कस्टमर की एक पैसेंजर की प्रोफाइल क्या है, वो कौन सी कैटेगरी की सीट्स ले रहा है, कौन सी कैटेगरी की सीट्स में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता है, जो भी ट्रांजैक्शन छोटे से छोटा बड़े से बड़ा होता है वो डेटा होता है। अब एक बहुत ही बड़े डेटाबेस में जो कि लगातार अपडेट हुए जा रहा है, लगातार बड़ा हुए जा रहा है, हमको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मान लीजिए स्पाइसजेट को ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है, या स्पाइसजेट में किसी एनालिस्ट को या किसी बिजनेस मैनेजर को ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि घनश्याम नाम का एक आदमी कितनी बार हमारी सर्विसेज यूज़ कर चुका है पिछले साल में। तो यहाँ पर आप एक स्पेसिफिक SQL लैंग्वेज में एक क्वेरी डालेंगे जिसके बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। वो इन्फॉर्मेशन, वो जो क्वेरी होगी वो कुछ इस तरीके से दिख सकती है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटाबेस नेम, जो भी स्पाइसजेट डेटाबेस का नाम होगा, उस डेटाबेस को यूज कर रहा होगा उसका जो भी नाम होगा वहां पे डेटाबेस का नाम आएगा, वेयर पैसेंजर नेम लाइक घनश्याम। अब घनश्याम नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं किसी शहर में या किसी देश में, तो एक और उसमें पैरामीटर दे दिया, एंड फादर्स नेम लाइक राधेश्याम, तो यहाँ पे वो फिल्टर आउट हो जाएगा डेटा। तो इस सिचुएशन में जब आप इस क्वेरी को रन करेंगे तो बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, मान लीजिए स्पाइसजेट में किसी बिजनेस यूजर को ये जानना है कि पिछले जनवरी में 2019 में कितने लोगों ने या किस नाम के लोगों ने हमारी एयरलाइन सर्विसेज को यूज किया है।
तो यहाँ पर क्या क्वेरी बनेगी, अगर हमको सिर्फ नाम जानना है तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम अगेन जो भी डेटाबेस का नाम है, वेयर बोर्डिंग मंथ लाइक जनवरी, जो भी मंथ का आप डेटा देख रहे हैं यहाँ पे जनवरी का, एंड बोर्डिंग ईयर इज इक्वल टू 2019। तो बेसिकली इस सीक्वल लैंग्वेज में अलग अलग कमांड्स हैं और उन कमांड्स का यूज करते हैं आप अलग अलग पैरामीटर्स या कंडीशंस डिफाइन करने के लिए, जिसके बेसिस पे आपको बहुत ही स्पेसिफिक डेटा जो कि आप चाहते हैं वो आप एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब सीक्वल के बारे में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताता हूँ। सीक्वल में आप एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी बनाते हैं, राइट, इट समटाइम इट ऑल्सो लुक्स लाइक कोडिंग, राइट, बिकॉज एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए एक क्वेरी कभी कभार बहुत लंबी भी हो सकती है, राइट। इसको देखकर पढ़कर जो लोग इसको ठीक से नहीं जानते हैं वो कहेंगे कि ये सिर्फ आईटी के लोगों को आनी चाहिए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपके बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस है, या फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, या ऑपरेशंस में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, ये सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि आपको जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे किसी भी रोल में हैं, कल को जब आप बड़े होंगे एंड यू वुड वांट टू टेक डिसीजंस बिजनेस में आप डेटा के ऊपर ही लेते हो, एंड यू वुड बी एबल टू डू बेटर इन योर जॉब इफ यू नो हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेटा, राइट। छोटे से छोटे डेटा के लिए, छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए, आप हर बार अपने डेटा एनालिस्ट के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे क्या? आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपको कोई डेटा चाहिए तो फटाफट एक क्वेरी बना के, क्वेरी एंटर करके, रन करके आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल पाए, एंड दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन, बेटर वर्कर, वुड बी एबल टू टेक बेटर डिसीजंस इन योर वर्क, राइट। और दूसरी सीक्वल के बारे में जरूरी बात यह है कि सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसी डेटा एक्सट्रैक्शन लैंग्वेज जो कि सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करती है। डेटाबेस के कई फॉर्म्स होते हैं, लेकिन यहां पर मैं डेटाबेस की, जिस डेटाबेस की बात कर रहा हूँ वो रिलेशनल डेटाबेस है। प्रिटी मच ऐसा डेटाबेस आसान भाषा में जिसमें बहुत सारे रोज और कॉलम्स होते हैं, तो एक रिलेशनल डेटा स्पेसिफिक डेटा फील्ड की वजह से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो उसके साथ टाइड अप है वो हम निकाल पाते हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात सीक्वल के बारे में ये है कि अभी तक मैंने आपको डेटा एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया, लेकिन उस डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए अगर आपको उस डेटा में कुछ चेंजेस करने हैं, राइट, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर बिजनेस रीजंस, तो सीक्वल की ही मदद से आप वो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमांड स्टार्ट होती है सेलेक्ट से, लेकिन अगर आपको वो डेटाबेस में अगर कुछ एंट्रीज मॉडिफाई करनी है, डेटा मॉडिफाई करना है, तो आप अपडेट कमांड का यूज करके उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां तक कि डिलीट कमांड्स के जरिए उस डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपके पास डेटाबेस का राइट एक्सेस है तो। तो यहां पर ना कि आप सिर्फ इंफॉर्मेशन निकाल के उसको यूज कर रहे हैं, बल्कि उसको आप मैनेज भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई, एडिट, डिलीट, ये सब कुछ आप डेटाबेस में कर सकते हैं सीक्वल की मदद से। तो ये थी छोटी सी वीडियो सीक्वल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। अगर लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस तरीके के नॉलेज वाले वीडियोज मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।